Hi everyone, welcome to Thetal Running Point. In this video we will discuss about differences between induction motor and synchronous motor. इस वीडियो का हमारा टाइटल है कि इंडक्शन मोटर और जो सिंक्रोनस मोटर होता है उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस क्या क्या हैं. सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोटर क्या होता है. सो एन इलेक्ट्रिकल मशीन दैट इज़ यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल मोटर और सिंपली मोटर. यानी कोई भी वो इलेक्ट्रिकल मशीन जिसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटर या सिंपली मोटर. देयरफॉर जो इलेक्ट्रिकल जो एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका इनपुट इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हम इनपुट करते हैं एंड आउटपुट हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलता है जो कि रोटेशन ऑफ शाफ्ट के फॉर्म में हमें आउटपुट पे मिलता है. अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटर्स की. तो टाइप्स ऑफ मोटर में हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जिनमें हम मेजर टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहला हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक सप्लाई, कि कौन से इलेक्ट्रिक सप्लाई पे मोटर काम करता है. उसके बेस पर दो तरह के इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, एक होते हैं डीसी मोटर और एक होता है एसी मोटर. डीसी मोटर वो होता है जिसमें इनपुट हम डीसी सप्लाई करते हैं, यानी डीसी पावर डायरेक्ट करंट पावर के ऊपर ये काम करते हैं. एंड एसी मोटर ऑपरेट होने के लिए एसी अल्टरनेटिंग करंट की रिक्वायरमेंट होती है एसी मोटर्स को फंक्शन करने के लिए. एसी मोटर जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक का नाम है इंडक्शन मोटर और दूसरा है हमारा सिंक्रोनस मोटर. इस वीडियो में हम इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट डिफरेंस. सबसे पहला डिफरेंस इनके डेफिनेशन में होता है, दैट इज एन इंडक्शन मोटर ऑल्सो कॉल्ड एसिंक्रोनस मोटर, एक इंडक्शन मोटर को एसिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है, इज एन एसी मोटर इन विच द इलेक्ट्रिक करंट इज इन द रोटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द वर्किंग टॉर्क इज ऑब्टेंड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग. दैट मीन्स कि एक इंडक्शन मोटर जिसको एसिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं वो एक ऐसा एसी मोटर होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट रोटर में जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक करंट है टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए वो हम प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कैसे है, सबसे पहले हम इनपुट करते हैं स्टेटर वाइंडिंग को जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे रोटर के साथ लिंक होता है और वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है. उस इलेक्ट्रिक करंट के इंट्रैक्शन विद द इंट्रैक्शन जो होता है इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है, जिससे कि वहाँ रोटर के अंदर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जो उस रोटर को घुमा देता है. तो इस तरह से हमारा इंडक्शन मोटर होता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की, सो सिंक्रोनस मोटर का डेफिनेशन का स्टेटमेंट है कि अ सिंक्रोनस मोटर इज एन एसी मोटर इन विच द रोटेशन ऑफ शाफ्ट और वी कैन से रोटर रोटेशन ऑफ द रोटर इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और आरएमएफ ऑफ द स्टेटर वाइंडिंग. यानी एक सिंक्रोनस मोटर वो एसी मोटर है जिसमें हमारे शाफ्ट रोटेट करता है उसी स्पीड पे जिसमें हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करता है स्टेटर वाइंडिंग का. नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्साइटेशन सिस्टम की, तो एक्साइटेशन सिस्टम में इंडक्शन मोटर जो है वो सिंगली एक्साइटेड सिस्टम होता है जबकि सिंक्रोनस मोटर एक डबली एक्साइटेड सिस्टम होता है. इसका मतलब ये है कि एक इंडक्शन मोटर है उसमें केवल एक इनपुट सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक इनपुट होता है, जबकि सिंक्रोनस मोटर में दो इनपुट इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब दो सप्लाई इनपुट किए जाते हैं, एक स्टेटर वाइंडिंग पे एक रोटर वाइंडिंग पे. नेक्स्ट अगर हम बात करें पैरामीटर की, तो वो है सप्लाई सिस्टम. इसके बेस पर भी इंडक्शन मोटर में और सिंक्रोनस मोटर में डिफरेंस है. सबसे पहले हम बात करें इंडक्शन मोटर की. सो इंडक्शन मोटर में द स्टेटर वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम एसी सोर्स, कि जो इंडक्शन मोटर होता है उसका स्टेटर वाइंडिंग हमेशा एसी सोर्स से एनर्जाइज कराया जाता है और केवल एक एनर्जी सोर्स यहाँ पे होता है इंडक्शन मोटर के केस में. लेकिन अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर के केस में, तो स्टेटर वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम एसी सोर्स एंड रोटर वाइंडिंग इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम डीसी सोर्स, कि जो स्टेटर वाइंडिंग है वो एनर्जाइज किया जाता है एसी सोर्स से जबकि रोटर वाइंडिंग है वो एनर्जाइज किया जाता है डीसी सोर्स से. नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपैरिजन की, वो है रोटर स्पीड के बेस पर. रोटर स्पीड के बेस पर मतलब ये है कि इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है ऑलवेज रन एट अ स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ द आरएमएफ और सिंक्रोनस स्पीड, कि जो इंडक्शन मोटर है उसका रोटर हमेशा ऐसी स्पीड पे काम करता है जो कम होगी सिंक्रोनस स्पीड से या स्पीड ऑफ आरएमएफ से. और ये जो स्पीड होती है इंडक्शन मोटर की वो चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन लोड ऑन दी शाफ्ट, कि अगर हम जो शाफ्ट है हमारे पास उस पर अगर लोड की वैल्यू को बदल दें तो हमारे इंडक्शन मोटर की स्पीड चेंज हो सकती है. लेकिन अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर ऑलवेज रन एट अ स्पीड इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, यानी सिंक्रोनस स्पीड हमेशा सिंक्रोनस स्पीड का जो सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पे रोटर करता है रोटेट करता है, वो कभी भी लेस देन या मोर देन स्पीड पे काम नहीं करेगा. डू नॉट चेंज विद दी
चेंज इन लोड ऑन द शाफ्ट, और सिंक्रोनस स्पीड जो है उसके अगर शाफ्ट पे लोड को हम बदल दें तो इसके स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट स्पीड पे रोटेट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेल्फ स्टार्टिंग प्रॉपर्टी की, तो इंडक्शन मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है, यानी उसमें जैसे इनपुट सप्लाई जाएगा इंडक्शन मोटर काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, इसको हमें सबसे पहले रोटेट करवाना होता है, मीन्स इट नीड टू बी रन अप टू सिंक्रोनस स्पीड बाई सम एक्सटर्नल मीन बिफोर सिंक्रोनाइजेशन विद द आरएमएफ। मतलब जब तक हमारा रोटर आरएमएफ के स्पीड के साथ में सिंक्रोनाइज ना हो जाए तब तक हमें उसको एक्सटर्नल मीन की हेल्प से घुमाने की ज़रूरत होती है, उसके बाद में ये ठीक से काम करता है, मतलब उसके बाद सिंक्रोनस स्पीड अपने आप काम करता है। लेकिन स्टार्टिंग में ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें एक्सटर्नल सप्लाई एक्सटर्नल रोटेशन प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन कंपैरिजन की, तो इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो सिंपल होता है, जबकि सिंक्रोनस मोटर जो है वो कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व करती है बिकॉज ऑफ डबली एक्साइटेड सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लिप, तो स्लिप जो है वो होता है डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड, यानी जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड होता है और रोटर स्पीड होता है उनके बीच के डिफरेंस को हम बोलते हैं स्लिप। तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर के केस में स्लिप होता है, जिसकी वैल्यू 1% से 5% के बीच में वैरी करती है। लेकिन अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर का रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करेगा, जिसका मतलब ये है कि सिंक्रोनस स्पीड में स्लिप की वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगी, क्योंकि उसका रोटर हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर काम करता है और कोई भी डिफरेंस वहाँ पर नहीं होता है बिटवीन स्पीड ऑफ द रोटर एंड स्पीड ऑफ द आरएमएफ। नेक्स्ट अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो इंडक्शन मोटर लेस एफिशिएंट होती है, जबकि सिंक्रोनस मोटर मोर एफिशिएंट होती है एज़ कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट अगर हम पैरामीटर की बात करें, दैट इज़ पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्शन मोटर हमेशा लेगिंग पावर फैक्टर पर काम करते हैं, लेकिन सिंक्रोनस मोटर को हम लेगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट करवा सकते हैं। दैट मींस पावर फैक्टर ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर कैन बी एडजस्टेड टू लेगिंग, लीडिंग और यूनिटी बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन। मतलब बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन ऑफ द मोटर हम पावर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट कंपैरिजन की, तो कॉस्ट हमारे पास जो इंडक्शन मोटर का होता है वो कम होता है, यानी इंडक्शन मोटर सिंक्रोनस मोटर के कंपेयर में सस्ते होते हैं, चीपर होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर की, तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो कॉस्टलियर होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। अगला जो डिफरेंस है वो है इकोनॉमिकल पॉइंट पे। इकोनॉमिकल पॉइंट का मतलब यहाँ पे है कि इंडक्शन मोटर आर इकोनॉमिकल एट दी स्पीड्स मोर देन 600 RPM, यानी जब हम हाई स्पीड के जो मैकेनिकल लोड्स हैं उनको ड्राइव करने की बात करें तो इंडक्शन मोटर इकोनॉमिकल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऐसे लोड्स की जो 300 RPM से कम पे काम करते हैं या 300 RPM से कम स्पीड पे ऑपरेट ड्राइव होते हैं एंड वो कॉन्स्टेंट स्पीड की डिमांड करते हैं, तो इन दैट केस सिंक्रोनस मोटर आर मोर इकोनॉमिकल एज कम्पेयर टू इंडक्शन मोटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें एप्लीकेशन के बेस पर डिफरेंस की, तो इंडक्शन मोटर्स आर यूज्ड फॉर ड्राइविंग डिफरेंट मैकेनिकल लोड्स लाइक फैंस, कन्वेयर, यानी कोई भी जो हमारा कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लोड है उनको ड्राइव करने के लिए इंडक्शन मोटर्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम बात करें सिंक्रोनस मोटर के एप्लीकेशन की, तो ये इनका स्पेशल पर्पस में यूज होता है, जहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करनी होती है मैकेनिकल लोड की, जैसे कि हमारे पास बॉल मिल है, रोड मिल है, पेपर मिल है, इन सबको ड्राइव करने के लिए सिंक्रोनस मोटर यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टेंट स्पीड, लो स्पीड चाहिए और साथ में कॉन्स्टेंट भी होनी चाहिए, ऐसे एप्लीकेशन में सिंक्रोनस मोटर यूज़ होता है, वहाँ पे इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एंड एक स्पेशल यूज़ है सिंक्रोनस मोटर का, दैट इज़ पावर फैक्टर करेक्शन। कभी कभी पावर प्लांट के अंदर क्या होता है, हमारा जो पावर फैक्टर है वो इंडक्टिव लोड के कारण पुअर हो जाता है, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय एम्प्लॉइंग सिंक्रोनस मोटर। सो ये सब हमारे पास था इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के डिफरेंसेस के बारे में। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।